इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 में हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. ओके, तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्थ है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली. इट इज मेड अप ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज. नो चार्ज इज फाउंड इन फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, क्वांटाइजेशन ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, सपोज एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है. नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज 1.5e, 3.2e हम नहीं लिख सकते हैं. जब भी लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 ... यानी हम हमेशा इसको इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर उस सिस्टम में हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई. एन क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 ... ओके, तो इट मस्ट बी क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. ओके, वेयर एन इज 1, 2, 3 ... ∞. नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस नेगेटिव होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. और अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है? दैट इज प्लस 2e, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. ये क्या एक्सेप्शंस है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स. अब क्वार्क्स होता क्या है, इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं. क्वार्क्स क्या है, किस तरह से ये फॉर्म करता है, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में किस तरह से फॉर्म करता है, ये सिर्फ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये पार्ट ए है इसका. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर एंड नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक ग्लास रॉड लिए जो न्यूट्रल स्टेट पे है. न्यूट्रल स्टेट कैसे है? सपोज हर एक मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. अब अगर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो कैंसल आउट होकर न्यूट्रल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लास रॉड में सपोज -5 इलेक्ट्रॉन है एंड +5 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, उसी तरह से फर में भी -8 नेगेटिव चार्ज है और +8 पॉजिटिव चार्ज है. अगेन ये दोनों न्यूट्रल स्टेट में है, तो ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, न्यूट्रल स्टेट में है. नाउ अगर इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस करें, दैट इज इन दोनों को अगर हम रब कर दें, अगर इन दोनों को अगर हम रब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर दो इलेक्ट्रॉन्स फर से ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो गया, तो अब फाइनली हमको क्या मिलेगा? ग्लास रॉड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? -7 और पॉजिटिव चार्ज तो 5 ही रहेगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन. नाउ ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है इसमें.
अब फर में कितना हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो गया है, तो फर में कितना हो जाएगा -6 नेगेटिव चार्ज, एंड +8 तो ऑलरेडी है, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ अब ये आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्जेस बाहर नहीं जा सकते। अगर इसमें से चार्ज बाहर नहीं जाएगा तो टोटल रॉड फर सिस्टम में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, वह है जीरो। तो इन अ होल सिस्टम रॉड फर बिकम्स जीरो, तो अगेन ये क्या हो गया, न्यूट्रल। हेंस होल सिस्टम, दैट इज यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पार्ट बी में है, वो है पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए। ओके, नाउ व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन एटम, इट कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विच इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज नहीं होना पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में। पॉजिट्रॉन डिफरेंट होता है प्रोटॉन से, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के नहीं। इसीलिए पॉजिट्रॉन को हम डिफाइन करते हैं जस्ट एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब क्वार्क्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसी वक्त प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लूंगा। ओके, नाउ इसको अगर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, सपोज ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ये गामा रे फोटोन जब एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक एटम के अंदर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया और उससे अगर हम गामा रे फोटॉन्स को पास कराए तो उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। अब हमको पता है कि गामा रे फोटॉन्स में जीरो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज, और गामा में जीरो चार्ज, न्यूट्रल होगा। तो हेंस आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दिस प्रोसेस, अब माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, ये क्या बन जाएगा, नेट चार्ज जीरो होगा। हेंस नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, तो इसके ऑपोजिट में और एक प्रोसेस है, वो है पेयर एनिहिलेशन। अब पेयर एनिहिलेशन क्या प्रोसेस है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्ट्राइक्स ईच अदर, देन दे प्रोड्यूस टू गामा रे फोटोन, विच प्रोसेस इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। अब क्या है स्टूडेंट, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक पॉजिट्रॉन लेंगे और एक सर्टेन डिस्टेंस पर नजदीक में उसको रख देंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होगा, जो कि वो दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेटर फोर्स। अब क्या होगा, वो ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और कोलाइड कर जाएगा। जब वो कोलाइड करेगा, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, स्मॉल 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 पार्टिकल्स। उस जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो बनेगा उसको बोलेंगे गामा रे फोटॉन्स, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में बिफोर कोलिजन का टोटल नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। आफ्टर ये क्या होगा, गामा रे फोटॉन्स बनेगा, इसमें भी नेट चार्ज जीरो होगा, तो हेंस नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम के टर्म्स में भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू थोरियम न्यूक्लियस एंड एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, जो कि यूरेनियम U238/92 से हम डिनोट करते हैं। तो ये आफ्टर रिएक्शन डिके में क्या होगा, ये थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। अल्फा पार्टिकल को He42 में लिखते हैं। ओके, नाउ ये 42 क्या है, एक एलिमेंट में एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे। एटॉमिक मास क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूरेनियम में कितना है 92 पॉजिटिव, नाउ थोरियम में कितना है 90 प्लस अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के में कितना हुआ 2, तो दोनों का समेशन कितना होगा 92 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नेट चार्ज इज कंजर्व्ड बिफोर डीके एंड आफ्टर डीके। ओके नाउ अब नेक्स्ट है व्हाट इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब ये ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जिसमें एक चार्ज अगर एक स्टैटिक पोजीशन पर है और मोशन पर है दोनों सेम होगा, यानी चार्ज का वैल्यू दैट इज E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, आइदर स्टैटिक पोजीशन पर रहे चाहे मोशन पर रहे दोनों सेम होगा। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन विच द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, देन इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। नाउ अब यहां पर स्टूडेंट्स हम एलजेब्रिक सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी को हम एलजेब्रिक सम करेंगे, सिंपल प्लस एडिशन। ओके अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम उसको वेक्टर सम करते। ओके नाउ इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज ये बॉडी है जो न्यूट्रल स्टेट में है, अगर इस बॉडी को सपोज हम 5 कूलम चार्ज दिए तो अब इसमें नेट चार्ज कितना हो जाएगा 5 कूलम, ठीक है। नाउ अगेन इस बॉडी को अगेन हम 3 कूलम चार्ज दिए तो अब इसमें कितना हो जाएगा 3 कूलम, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा 8 कूलम, ठीक है। तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा 8 कूलम। अब अगर इस बॉडी में हम -6 कूलम नेगेटिव चार्ज, ये सब था पॉजिटिव चार्जेस, तो हमको +8 कूलम मिला नेट चार्ज। अब अगर नेगेटिव 6 कूलम चार्ज देंगे तब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम 8 कूलम -6 कूलम ये कितना बन जाएगा 2 कूलम, तो हेंस नेट चार्ज कितना होगा इसके अंदर वो है 2 कूलम। हम ऐसे भी देख सकते हैं 8 कूलम, हम 8 कूलम को लिख सकते हैं 6 कूलम प्लस 2 कूलम। अब 6 कूलम प्लस 2 कूलम में एडिशन कितना होगा माइनस ऑफ 6 कूलम, इसको 6 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस ऑफ 6 कूलम इसमें आया तो ये कैंसल आउट हो गया, नेक्स्ट कितना बचा 2 कूलम। तो ये प्रॉपर्टी होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द रेट ऑफ 5 × 10⁻¹⁵ पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एक्वायर 2 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिवन डेटा क्या है, फर्स्ट गिवन है एक बॉडी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड दैट इज 5 × 10⁻¹⁵, ठीक है, कितना टाइम में 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच सेज दैट क्यू इज इक्वल्स टू एनी, ठीक है। नाउ तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जो बॉडी एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइव
5 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये हो जाएगा माइनस 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। ठीक है, इतना इतना चार्ज हो गया। अब ये तो एक सेकेंड में है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एक्वायर 2 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, माइनस 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स इन 1/-8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड्स। तो माइनस दैट इज माइनस 2, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो माइनस 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स इन -2/-8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा 2500 सेकेंड्स, विच विल बी इक्वल टू 6.94 आवर्स। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं ये क्या है। अ प्लास्टिक पीस ऑफ रबर विथ अ सिल्क क्लोथ इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 8×10⁻¹⁰ कूलम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क टू प्लास्टिक पीस। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हमको नेगेटिव चार्ज दिया है, तो टोटल चार्ज। अब नाउ प्लास्टिक पीस इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लोथ इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से प्लास्टिक पीस में कितना चार्ज हो गया, टोटल चार्ज इन प्लास्टिक पीस इज -8×10⁻¹⁰ कूलम। नाउ टोटल चार्ज और चार्ज इन इज 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N इज इक्वल्स टू Q/E। Q कितना है, -8×10⁻¹⁰ कूलम। और इलेक्ट्रॉन्स कितना है, माइनस नेगेटिव चार्ज, -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ओके, नाउ टोटल आंसर इसमें कितना आ जाएगा, इसको अगर हम ये कट कर देंगे तो इसका आंसर चेक ये हो जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5×, ये कटेगा 9 टाइम्स में, तो 5×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स ये होगा फाइनल आंसर। ये आंसर लिखना कंपलसरी है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड थैंक यू।